हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेकरे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 इंची दीवार के ऊपर कट लेंटर कह सकते हो या ब्रेक लेंटर कह सकते हो या सब लेंटर कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मतलब कि इन चीज़ों का नाम रहता है और अलग अलग नाम से मतलब कि इनको काम करने का जो तरीका रहता है दोस्तों, वो अलग अलग नाम से ही ये मतलब जाने जाते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट को इनको ब्रेक लेंटर कहते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में इनको कट लेंटर कहते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में इनको मतलब कि सब लेंटर भी कहते हैं। तो इसलिए हम इस चीज को अलग रख देते हैं कि इसको क्या कहते हैं। आप यहाँ पे जो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे जो कट लेंटर का जो प्रोसेस चल रहा है दोस्तों, ये 7 फीट की हाइट पे चल रहा है। छत की हाइट काफी कम है इसकी, 9 फीट की छत की हाइट है, इसलिए इसके ऊपर जो जुड़ाई है वो भी बहुत कम आ रही है। तो मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि कट लेंटर जो ठोकने के जो तरीके हैं इनका, जो कट लेंटर इन्होंने जो पहले लेवल भी करना है इनको, यहाँ पे जो दरवाजा है इसको लेवल करके इसमें नीचे रीप लगाना है। तो रीप दोस्तों, लेवल के बगैर रीप ना लगाएं, लेवल बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बारसक नहीं है दोस्तों, जो आप चौखट कहते हो वो इसके अंदर नहीं लगी हुई है, इसलिए आपको इसमें लेवल बहुत जरूरी हो जाता है। ऊपर की साइड से जो पट्टिया लगेगा दोस्तों, इसमें लेवल बहुत जरूरी हो जाता है, लेवल इसमें बहुत जरूरी आपको करना है अगर आप इसमें मतलब कि पट्टिया लगा रहे हो। अगर इसके अंदर चौखट रहते हो दोस्तों, आपकी लेवल की जरूरत नहीं, क्योंकि चौखट में ऑलरेडी लेवल हो जाती है, लेवल उसमें चौखट लेवल में ही लगती है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से मतलब कि देख सकते हो कि भाई साहब ने लेवल करके ने जो पट्टिया लगा दिया गया है, और उसके बाद आपको मतलब कि इसमें दोनों साइड से पट्टिया लगाने के बाद मतलब कि इसमें फिर जो कंक्रीट का माल, जो गिट्टी माल भी कह सकते हो आप, आरसीसी माल भी कह सकते हो, वो काफ़ी मतलब कि इनका भी काफ़ी अपने अपने हिसाब से नाम रहता है। तो आप जो भी कहो इनको, पर हम हमारे हिसाब से तो इनको गिट्टी माल कहते हैं कि गिट्टी माल इसके अंदर करने का जो प्रोसेस है इनका, मतलब कि ये गिट्टी माल इसमें करेंगे, अभी पट्टियाँ लगाएंगे, ये पट्टियाँ लगाने के बाद ही मतलब इनका जो प्रोसेस रहेगा वो गिट्टी माल करने का रहेगा दोस्तों। जब तक अगर मान लो आप अगर इस वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी दोस्तों। अगर आपके मन में अगर इसके थ्रू या मकान के थ्रू किसी भी तरह से अगर मान लो क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट में हम आपका आंसर देंगे कि आपको क्या मतलब रिकमेंड करना है, क्या नहीं करना है, या फिर आप मान लो मकान बना रहे हो या घर बनाने की सोच भी रहे हो तो आप जरूर मतलब कि कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे उसका। हम मतलब कि आपको मकान से रिलेटिव काफ़ी सारी जानकारी दे सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों, और कमेंट करके ना आपका नंबर जरूर दे दोस्तों, मोबाइल नंबर कमेंट में, क्योंकि मोबाइल में हम आपको इजिली फ़ोन करेंगे और आपको फ़ोन पे ही सारी चीज़ें बता देंगे, और अगर मान लो नहीं तो हम आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, तो उसके जरिए आप मतलब कि हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना है। तो दोस्तों इनका जो तरीका है, जो मतलब कि तरीका आप देख सकते हो, ठोकने का तरीका भी देख सकते हो, और मकान जो बनता है दोस्तों नीचे से लगा के ने ऊपर तक टाइल्स पत्थर इलेक्ट्रिक और मतलब कि नल फिटिंग सारी चीज़ें की हम मतलब कि आपको जानकारी बारी बारी से देते रहेंगे। तो मतलब कि मकान में क्या क्या चीज़ लगती है, क्या नहीं लगती, और कौन सी जगह पे आपको क्या सावधानी बरतनी है, जिससे आपका जो मकान है, जो दोस्तों घर एक ही बार बनता है, इंसान बहुत मेहनत करके ना घर एक ही बार बनाता है, लोन से बनाता है या फिर कुछ उसके अदर पैसे से बनाता है, बट एक ही बार बनता है, तो इसलिए इस चीज़ों में मतलब काफ़ी आपको ध्यान रखना होता है कि काफ़ी इनमें मतलब बहुत बारीकी से इस चीज़ को लेके चलना होता है कि मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब कि ये जो भाई साहब दो कटलेंटर जो कटलेंटर ठोक रहे हैं, इनका जो ठोकने का हो सकता है दोस्तों के काफ़ी मतलब आपको वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, तो आप मतलब कि इसको अच्छे से देख ले पहले, तो मतलब इसको देखने से ही मतलब कि आपको पता चल जाएगा। और हमारे जो मिस्त्री भाई हैं दोस्तों, मिस्त्री भाइयों के लिए ये काफ़ी हाउसफुल रहेगा मतलब कि वीडियो, कि जो उनको अगर याद नहीं है तो पट्टिया लगाने में दोस्तों एक खास विशेष ध्यान रखना होता है मिस्त्रियों को कि ये फूले नहीं, दीवार से अच्छे से इसमें बांधे वगैरह, कील वगैरह इसमें अच्छे मारे जिससे ये मतलब कि अच्छे से फूले नहीं। फूलने से दोस्तों काफ़ी मतलब माल बाहर आ जाएगा, प्लास्टर ज़्यादा चढ़ेगा, तो इसमें आपको मकान मालिक का काफ़ी नुकसान रहता है दोस्तों। यहाँ पे यही एक चीज़ है बारीकी से दोस्तों, बाहर दूसरी जो देख सकते हो आप यहाँ पे, दूसरे जो कटलेंटर है एकदम फिनिशिंग में है दोस्तों, कि मतलब कि बाहर माल अगर जरा सा भी आया, मान लो
एक दो सूत या मान लो आधा इंच अगर मान लो बाहर आ गया माल, तो फिर आधा इंच प्लास्टर होता दोस्तों ज्यादा चढ़ेगा इसको दबाने के लिए, तो आपका माल का काफी नुकसान है और इसके जो देखने की जो सुंदरता है फिनिशिंग है वो भी आपको बहुत बेकार दिखेगी। तो मिस्त्री भाइयों से हमारा गुजारिश है कि इसको अच्छे से मतलब कि तार वॉन्डिंग करके नहीं मतलब इसको अच्छे से ठोके, जिससे आपका जो गिट्टी माल है वो बाहर नहीं आए, और आप इसको मतलब कि अच्छे से ठोंक के ना फिर ही मतलब गिट्टी माल इसके अंदर डालें, जिससे मतलब कि देखने वाला भी अच्छा देख ले इसको कि हाँ अच्छा भरा हुआ है। और जो मतलब जो सीख रहे हैं इस वीडियो को, मान लो देख के ना कोई चीज़ सीखते हैं तो मतलब कि इसको अच्छे से उनको भी समझ में आ जाए कि मतलब कि ये क्या हो रहा है। दोस्तों जो मिस्त्री हैं नए जो मिस्त्री भाइयों हैं उनके लिए मतलब कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहती है कि इसको देख के ना काफ़ी सीख सकते हैं, और जो मकान मालिक है दोस्तों उनको भी मतलब कि इस चीज़ का नॉलेज रहता है। काफ़ी गांव के हिसाब में मतलब कि कुछ लोग कटलेंटर डालते ही नहीं हैं, सीधे छत तक की जुड़े कर देते हैं। तो दोस्तों कटलेंटर वैसे तो दो जगह डलना चाहिए, एक तो 3 फीट की हाइट पर डलना चाहिए और दूसरा 7 फीट की हाइट पर डलना चाहिए, बट यहाँ पर इन्होंने एक ही डाला है। बट अगर आप अगर मान लो दो कट लेंटर अगर डालते हैं, एक 3 फीट की हाइट में और दूसरा 7 फीट की हाइट में, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। तो मतलब कि दो कट लेंटर आप जरूर डालें अगर आपका मकान अगर बन रहा है तो, और अगर आपका मकान ज़्यादा कच्चे जगह में बन रहा है तो, या फिर उसका बेस अच्छे से बनाएं। अगर बेस अच्छे से बनाएंगे तो मतलब मकान का जो क्रेक होने का जो समस्या रहता है दोस्तों वो नहीं आएगा। सबसे जो इसमें मकान के अंदर जो सबसे जो अहम भूमिका रहती है दोस्तों नीचे की जो बेस की रहती है। बेस आप जितना मजबूत बनाएंगे दोस्तों उतना ही आपका मकान की जो वैलिडिटी है वो भी ज़्यादा काफ़ी दिन तक बनी रहती है, और उसमें क्रैक होने का तो चांस नहीं रहता है। अगर मान लो आपने जो मकान का स्ट्रक्चर है वो आपने लो के हिसाब से बनाया है, या फिर मान लो आपके मिस्त्री को कम अनुभव है और उसने कैसे भी तरीके से आपका मकान जो बना दिया है, तो वो फिर क्रैक होने का काफ़ी चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको दो कटलेंटर इसमें बहुत ज़रूरी हो जाते हैं लगाने, कि अगर मान लो आपका अगर स्ट्रक्चर कम, अगर मान लो 4 सिरे में ही आप स्ट्रक्चर बना रहे हो मकान का, और 4 सिरे में अगर मान लो इसको खड़ा कर रहे हो, तो फिर 4 सिरे में अगर ले जा रहे हो तो फिर इसमें कटलेंटर दो डाले जरूर, क्योंकि दो कटलेंटर इसको मजबूती काफ़ी इसकी अच्छी बढ़ जाएगी। दो कटलेंटर अगर रहेंगे तो आपके मकान की काफ़ी हद तक मजबूती बढ़ जाएगी। अगर मान लो आपने 6 सरिये में अगर लगाए हैं, और 12 के अगर मान लो 6 सरिये लगाए हैं आपने स्ट्रक्चर में, और बीम अगर भर रहे हो आप, तो बीम की जो हाइट रहती है दोस्तों कम से कम 1 फीट से ऊपर ही रहे, और उसकी जो उसमें भराव वगैरह से अच्छे से करें, और उसके बाद में फिर अगर मान लो आपने उसमें स्लेब अगर अच्छे से उसमें अगर हो जाता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर अच्छा अगर हाई बन जाता है, तो आप इसमें एक कटलेंटर से भी काम धरा सकते हो। भाई साहब ने कंप्लीट कर दिया है कटलेंटर मतलब कि ठोक के पटिया, इसमें जो माल डालने का जो प्रोसेस है दोस्तों, माल मतलब कि ये डाल लेंगे, माल डाल के ना इसमें जो भरेंगे दोस्तों। इस मकान की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, इसमें बहुत हाई क्वालिटी से मतलब ये बना हुआ है। इसकी जो बीम की अगर मान लो ना कॉलम की अगर हम बात करते हैं, तो कम से कम 2 फीट के सिर्फ कॉलम है, और बीम इसके 1.5 फीट के हैं दोस्तों। इस मकान की जो क्वालिटी है मतलब काफ़ी हाई है, इसलिए इन्होंने मतलब एक ही कटलेंटर चलाया है। अगर आपके मकान में अगर मान लो आपने अगर मान लो 4 सरिये पे ही अगर इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो 2 कटलेंटर आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है इसमें डालने के लिए। 2 कटलेंटर इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो मकान कहीं से भी क्रैक होने का, और आप 1 या 2 साल बाद में देख लेना कहीं से ना कहीं से आपका मकान क्रैक हो ही जाएगा, क्योंकि जो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये इतना हाई नहीं रहता है जितना आप मतलब इसको ले जा सकते हो, कि आप मान लो इसमें 2 मंजिल 3 मंजिल जैसे ही आप इसमें ले जाने की कोशिश करोगे और कहीं से ना कहीं से दीवार ब्रेक होगी और वहाँ से जो आपका दरार हो जाएगा, तो आपको वो नहीं पता चलता। मिस्त्री से अगर पूछेंगे तो वो बोल देंगे भैया ये तो एयर निकली है, ऐसा एयर वेयर का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं रहता है कि जो दीवार को ब्रेक करके में एयर निकले। दोस्तों दीवार अगर मान लो क्रैक हुई है, तो समझ लो आपका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं से हल्का सा बैठ गया है, तभी जाके दीवार ब्रेक होती है। दीवार को में क्रैक आने का ये एक ही रीज़न है दोस्तों, कि मतलब कि कहीं से ना कहीं से मतलब कि आपका मकान ये नीचे गया है, तब जाके आपकी जो दीवार है ना क्रैक आती है दोस्तों। तो यहाँ पे इस मकान बनाते समय मतलब कि आपको काफ़ी विशेष ध्यान रखना होता है, और मिस्त्री अगर मान लो अच्छे से अच्छा अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उससे। और अगर मान लो क्वेश्चन अगर करना हो दोस्तों तो कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।